देश के कुछ हिस्सों में सितंबर के महीने में भी जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सूखा जैसे हालात बन रहे हैं। जिले के किसान अब भी तेज बारिश के इंतजार में हैं और इस वर्ष औसत से बहुत कम हुई वर्षा से खरीफ की फसलों पर बुरा असर हुआ है। अधिकांश इलाकों में जहां धान की बुआई ही नहीं हुई है, वहीं सूखे की आहट ने किसान को परेशान कर दिया है। दो दिन बारिश हुई लेकिन केवल बूंदाबांदी ही हुई, फसलों को अभी कोई फायदा नहीं हुआ है। रीवा जिले के मैदानी क्षेत्र में 35% से भी कम धान की रोपाई हो पाई है, जबकि इस क्षेत्र के अधिकांश इलाके में धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। अगस्त महीने तक जिले में औसतन 335 मिलीमीटर भी बारिश दर्ज नहीं हो पाई है, जबकि सामान्य औसत बारिश 1130 मिलीमीटर है। बारिश नहीं होने से खरीफ की फसल करीब करीब चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। बिल्कुल, ये अपने बिंध क्षेत्र में बारिश औसत से काफी कम हुई है, जिससे काफी लोग परेशान है। यहाँ तक कि धान जैसी फसल की सिंचाई करना पड़ रहा है, जिसके पास पर्याप्त साधन है वो सिंचाई करके अपनी फसल को बचाए हुए हैं, किंतु आम तबके का व्यक्ति जो है वो त्रस्त है। और यहाँ तक कि अभी वर्तमान में 2-4 दिन से बारिश हल्की फुल्की शुरू हुई है, उसमें भी जब मूंग दलहन फसलें मूंग है और उड़द है ये लगभग खेत में पक चुके थे, इस समय बारिश होने से मूंग और उड़द की फसलें कहिए खराब हो गई है, वो भी बारिश औसत नॉर्मल बारिश हो रही है, जिससे विशेष धान को भी फायदा नहीं है। और हालात तो यहां तक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से किसान जो है तो सूखा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और अभी हाल ही में माननीय सीएम साहब का दौरा था तो लोगों ने सूखा घोषित करने के लिए जो उनकी सूखी हुई फसल है उसको सर पर लाके सैकड़ों किसान जो है तो आंदोलन में आए हुए थे, सामने आए हुए थे। वो ये मांग कर रहे थे कि क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाए और जो भी मुआवजे की राशि निर्धारण किया जाए। तो वर्तमान ये स्थितियां हैं, बिल्कुल एकदम माहौल ऐसा है जैसे मई जून का महीना हो, और बारिश तो कहीं से कहीं यहां दिख नहीं रही है। हल्की फुल्की वही फुहार वाली वर्षा होती है जैसे सावन में होती थी, रिमझिम रिमझिम करके, और विशेष बारिश नहीं हो रही, पूरा किसान तबका त्रस्त है।